सत श्री अकाल देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी मैं वरुण कौर मान खबर ब्रिटेन स्वागत खबर ब्रिटेन के स्पॉन्सर रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा रियल एस्टेट की दुनिया च मनिया परमनिया नाम पेश ने पहला चुनवी खबर दो साल बाद अज तो मुड़ शुरू हो अंतरराष्ट्रीय उड़ाना कोविड दिशा निर्देशों में की गई सोध विदेश जाने वालों बूस्टर डोज लगाने बारे विचार कर रही भारत सरकार बाइडन का पुतिन ते हमला कहा सत्ता विच नहीं रह सकता ए शख्स ए एक है कसाई अमेरिका का वड्डा कदम कीव नूं सुरक्षा सहायता वजो देवेगा 10 करोड़ डॉलर जो बाइडन ते पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेस विचकार दुबली मीटिंग नाटो एकता प्रति वचनबद्धता का प्रगटावा अमेरिका कोलोराडो के जंगलों में लगी अग 19,000 लोगों नूं सुरक्षित थावां ते लिजाण दे हुकम ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार कोरोना संकट तो उभरन तो बाद दो साल बाद एतवार तो अंतरराष्ट्रीय एयरलाइना मुड़ तो शुरू होने जा रही ने देश के हवाई अड्डे ते एयरलाइन कंपनियां इस लई पूरी तरह तैयार ने अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस की शुरुआत इस खेत्र नूं विकास की उड़ान भरन विच मदद करेगी नवी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे नूं नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ाणा के मुड़ शुरू होने तो बाद अप्रैल के पहले हफ्ते यात्रियों की संख्या विच महत्वपूर्ण उछाल की उम्मीद है भारतीय एयरलाइन कंपनियों के नाल नाल एमीरेट्स वर्जिन अटलांटिक समेत वख-वख विदेश एयरलाइंस कंपनियां भी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस के मुड़ शुरू होने लैके उत्साहित ने सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ाना संचालन लई कोविड दिशा निर्देशों भी सोध्या है मैडिकल एमरजेंसी लई अंतरराष्ट्रीय उड़ाना विच 3 सीटां खाली रखने की शर्त हटा दी गई है इस नाल चालक दल लई पूरी पीपीई किट की जरूरत खत्म हो गई सरकार ने 23 मार्च 2020 नूं कोरोना महामारी दौरान लाग दे फैलण नूं रोकण लई भारत लई अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस नूं मुअत्तल करन दा फैसला कीता सी हालांकि जुलाई 2020 तो एयर बबल व्यवस्था के तहत भारत अते 37 देशों विचकार विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ाना चल रही ने रेगुलर इंटरनेशनल एयरलाइंस के शुरू होने नाल एयर बबल सिस्टम खत्म हो जाएगा कोरोना के मामलों में गिरावट के मद्देनजर सरकार ने 8 मार्च नूं 27 मार्च तो अंतरराष्ट्रीय एयरलाइना नूं मुड़ शुरू करने का ऐलान किया सी भारत सरकार जल्दी ही उन्हां व्यक्तियों नूं कोविड 19 वैक्सीन की बूस्टर डोज लाउण की प्रवानगी दे सकती है जो पढ़ाई कामकार खेडां ते होर अधिकारत जां कारोबारी यात्रा लई विदेश जाना चाहुंदे ने अधिकारत सूत्रां ने दस्सिया कि इस गल ते वी विचार चर्चा कीती जा रही है जो व्यक्ति विदेश यात्रा ते जाना चाहुंदे ने उन्हां नूं प्राइवेट टीकाकरण केंद्रां ते भुगतान करके बूस्टर डोज लैण दी आग्या दित्ती जावे इस समय सिहत कर्मचारियां मोहरली कतार विच शामिल कर्मचारियां ते 60 साल तो वध उमर दे व्यक्ति कोविड 19 टीके की एहतियाती खुराक दी जा रही है भारत ने 27 मार्च तो हफ्ते 3200 तो वध कौमांतरी उड़ाणा की आवाजाई प्रवानगी दी है गर्मियों का शेड्यूल शुरू हो गया है डीजीसीए ने कहा कि 1466 उड़ाणा हर हफ्ते भारतीय एयरलाइन लई रखिया गई ने जबकि 1783 जहाज विदेशी एयरलाइना के उड़ाण भरणगे गर्मियों का शेड्यूल 29 अक्तूबर तक लागू रहेगा 1466 उड़ाणा हर हफ्ते 27 मुल्कां दीआं 43 थावां उत्ते जाणगीआं इंडिगो हर हफ्ते 505 जहाज एयर इंडिया 361 स्पाइसजेट 130 ते गो एयर 74 उड़ाणा चलाएगा 40 मुल्कां दीआं 60 एयरलाइंस नूं 1783 गेड़िआं दी हर हफ्ते लई आग्या दित्ती गई है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नूं सत्ता तो हटाउण दी मांग कीती है पुतिन दा नाम लए बिना बाइडन ने कहा कि व्यक्ति सत्ता विच नहीं रह सकता बाइडन दे इस बयान तो तुरंत बाद व्हाइट हाउस ने स्पष्ट कीता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूस विच नवी सरकार दे गठन दी गल नहीं कर रहे सन उन्हां ने कहा कि बाइडन दा मतलब सी कि पुतिन नूं अपने गुआंढियां जां खेतर दे शक्ति दी वरतों करन दी आग्या नहीं दित्ती जा सकती बाइडन ने पोलैंड दी राजधानी वारसा विच अपने भाषण दी वरतों उदार लोकतंत्र अते नाटो फौजी गठजुड़ की रक्षा लई कीती है उन्होंने कहा कि यूरोप नूं रूसी हमले विरुद्ध लंबे संघर्ष लई अपने आप नूं तैयार करना चाहिए व्हाइट हाउस ने बाइडन दे संबोधन नूं मुख संबोधन दस्सिया राष्ट्रपति बाइडन ने पुलिस मोल दे पॉप जॉन पाल दो दे शब्दां दा हवाला दित्ता अते चेतावनी दित्ती कि पुतिन दे यूक्रेन ते हमले नाल लंबे युद्ध दा खतरा है बाइडन ने कहा कि इस लड़ाई विच सानूं स्पष्ट नजर रखण दी लोड़ है यह लड़ाई दिन जां महीनियां विच नहीं जीती जा सकती दस दईए कि जो बाइडन दे संबोधन दौरान लगभग 1,000 लोगों की भीड़ विच कुछ यूक्रेनी शरणार्थी शामिल सी जो यूक्रेन ते हमले दे विचकार पोलैंड आ गए इस तो अगे बाइडन ने कहा कि पछम दे देश हुण पहला नालों ज्यादा मजबूत ते एकजुट ने यह लड़ाई दिन जां महीनियां विच जितनी औखी है
यूक्रेन विच रूस की विशेष फौजी मुहिम दौरान अमेरिकी सुरक्षा सहायता वजो कीव नू 10 करोड़ डॉलर की वाधू राशि प्रदान करन जा रहा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी बलिंकन ने यह जानकारी दी है। शनिवार नू एक बयान विच बलिंकन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के गृह मंत्रालय की लोड़ी सरहदी सुरक्षा प्रदान करन कानून व्यवस्था बनाई रखन अते महत्वपूर्ण सरकारी बुनियादी ढांचे की सुरक्षा लई समर्था बढ़ाउण दे उद्देश नाल सिविल रक्षा सहायता विच 100 मिलियन डॉलर की वाधू सहायता प्रदान करेगा। वीरवार व्हाइट हाउस द्वारा कहा गया सी कि अमेरिका कीव नू मानवतावादी सहायता लई 10 करोड़ डॉलर तो वध प्रदान करेगा। यह यूक्रेन अते इसके आस पास के देशों विच जमहूरियत अते मनुखी अधिकारां दे काम लई वित्त लई वाधू 32 करोड़ डॉलर भी प्रदान करेगा। इस महीने के शुरू विच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने यूक्रेन लई मानवतावादी आर्थिक अते रक्षक सहायता विच 1350 करोड़ डॉलर तो वाध नू मंजूरी दित्ती सी। पोलैंड विच रूस के राजदूत सरगेई एंड्रीव ने शनिवार नू सुझा दिता कि रूस नू पोलिश राजधानी वारसा विच अपना दूतघर अस्थाई तौर ते बंद करन लई मजबूर किया जा सकता है। उसने सोलव्योव लाइव शो विच कहा कि शायद सानू कुछ समय लई अपना दूतघर बंद करन लई मजबूर किया गया सी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने दुबुले संबंधा नू मजबूत करन दे मद्देनजर पोलिश राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा नाल मीटिंग की। गलबात दौरान उन्होंने नाटो की एकता प्रति वचनबद्धता प्रगटाई है। उन्होंने कहा कि नाटो पूरी तरह नाल एक अजिही दुनिया विच एकजुट है जो समय दे नाल बदल गई। बाइडन ने नाटो के मैंबरां की एकता की गल भी की है। मुलाकात दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने भरोसा है कि व्लादिमीर पुतिन नाटो नू वंडण की कोशिश कर रहे हैं। वह पूर्व के देशों नू पछम तो वक्त करना चाहते ने। इस दे नाल ही बाइडन ने यूक्रेन अते रूस विचाले चल रही जंग विच पोलैंड की भूमिका की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पोलैंड अपनियां जिम्मेवारियां नू अहम तरीके नाल निभा रहा है। यह काम जो पोलैंड इकला कर रहा है यह सारे नाटो देशों नू करना चाहिए है। पोलैंड के राष्ट्रपति नाल गलबात दौरान बाइडन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन प्रति अपनी जिम्मेवारी भी निभा रहा है। वह यूक्रेन तो बेघर हुए 1 लाख लोगों नू अमेरिका विच शरण देवेगा। बैठक दौरान बाइडन ने यूक्रेन ते रूस की कार्रवाई दरमियान आपसी तालमेल बढ़ाउण की लोड़ ते जोर दिता। उन्होंने कहा कि सानू आपसी समझौते नाल तय करना होगा कि रूस वल्लों की जा रही कार्रवाई ते की प्रतिक्रिया करनी है। उन्होंने रूस प्रति अपने स्टैंड लई पोलैंड के राष्ट्रपति का धन्नवाद किया है। अमेरिका दे कोलाराडो विच लगी जंगल दी अग हौली हौली दक्षिणी शहर बॉल्डर वल बद रही है जिस कारण अधिकारियां ने 19,000 लोगों नू सुरक्षित थावां ते लिजाण दे हुकम दित्ते ने। शहर दे आफत प्रबंधन दफ्तर दे मुताबक शनिवार दोपहर तक जंगल दी अग 123 एकड़ तक फैल गई। 8,000 घरां नू खाली करन दे हुकम जारी कीते गए। बॉल्डर पुलिस ने ट्वीट कीता कि टेबल मेसा दे कोल सुरक्षित जंगली जमीन विच अग लग गई है। अग कारण एलडोराडो कैनियन स्टेट पार्क नू बंद कर दिता गया अते अधिकारियां ने लोगों इलाका छड्डण दा हुकम दिता। अग लगण दे कारणां बारे फिलहाल जानकारी नहीं दित्ती गई है। यूक्रेन ते रूसी हमले दे दूजे महीने दौरान शनिवार नू पछमी शहर लबीब दा नेड़ला इलाका धमाकियां नाल हिल गया। इह शहर शरणार्थियां दा टिकाणा है जो हुण तक वड्डे हमलियां तों काफी हद तक बचिया होया सी। रूस ने यूक्रेनी शहर ते बमबारी जारी रखी हुई है। शनिवार नू लबीब दे बाहर कई जोरदार धमाके होए अते हवाई हमले दे सायरन गूंजते रहे। खेतरी गवर्नर मैक्सिमम ने फेसबुक ते इह गल कही। दस्सिया जांदा है कि इह शहर विच करीब 2 लाख शरणार्थी शरण लै रहे ने। उत्थे चेरन ही विच ठहरे वसनीक धमाकियां ते तबाही तो डरे हुए ने। शहर दे 38 साला निवासी एक भाषाई विद्वान इरहरार ने कहा कि रात नू बेसमेंट विच हर कोई सिर्फ एक ही चीज दे बारे विच गल करता है। चेरन ही अगला मारियूपोल बन रहा है। वह अपने दिन दी शुरुआत पीण वाले पानी लई लंबियां लाइनां विच अपनी बारी दा इंतजार करन दे नाल शुरू करदे ने जिथे हरेक व्यक्ति नू 10 लीटर ही पानी दित्ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि भोजन खत्म हो रहा है पर गोलाबारी अते बमबारी रुकण दा नाम नहीं लै रही। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंसकी ने शनिवार नू कतर के दोहा फार्म विच एक वीडियो लिंक राही अचानक हाजिर हुए। उन्होंने तेल अते गैस नाल भरपूर देश अते होर देशां नू अपना उत्पादन बनाउण दी अपील की है ताकि रूसी ऊर्जा सप्लाई विच कमी नू पूरा किया जा सके। जेलेंसकी ने संयुक्त राष्ट्र अते दुनिया के शक्तिशाली देशां नू उन्हां दी मदद लई अगे आउण दी अपील की है। जिवें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 24 फरवरी नू युद्ध की शुरुआत होण तों बाद दुनिया भर के देशां नू सिलसिले
ਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਓਪੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸੀਰੀਆ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲੇਪੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਮਿਸਰ ਵਰਗੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨੇ ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਤਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਮੀਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਲੂਕ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗਲੋਬਲ ਫੌਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਫੇ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਯੂਕਰੇਨ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਦੇ ਟੌਪ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੂਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਤਿਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਲਿਓਨਿਦ ਪ੍ਰਤੇਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਤਿਨ 1983 ਵਿਚ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਲਿਊਡਮਿਲਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ 2013 ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਸਾਲਾ ਲੂਜ਼ਾ ਰਿਜ਼ੋਵਾ ਦੀ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਧੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਦੇ 1000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੱਖਣੀ ਡਕੌਤਾ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਗੇਟਵੇ ਹੋਟਲ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਮਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਉਪਰ ਹੋਟਲ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਐਨਡੀਐਨ ਕਲੈਕਟਿਵ ਤੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਸਨੀ ਰੈਡਬੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਨੇ ਨਸਲੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੱਖਣੀ ਡਕੌਤਾ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ US ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਦੇ ਚੂਰਾਮਨ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਜੇ ਸ਼ਿਬਰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 5 ਜੁਲਾਈ ਸਨ 2019 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਅਤੇ ਡਿਕਸੀ ਰੋਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 54 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਜੇ ਛਿੱਬਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛਿੱਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ 48 ਸਾਲਾ ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਨਿਵਾਸੀ ਚੂਰਾਮਨ ਰਾਮਗੜੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੂਰਾਮਨ ਰਾਮਗੜੂ ਨੇ ਅਜੇ ਛਿੱਬਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹੁਣ ਚੂਰਾਮਨ ਰਾਮਗੜੂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੂਰਾਮਨ ਰਾਮਗੜੂ ਨੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਜੇ ਛਿੱਬਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਮਾਨ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਚੂਰਾਮਨ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇ ਛਿੱਬਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਆਈਕੋਨ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਔਰਲੈਂਡੋ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਰਾਈਡ ਪੰਗੂੜੇ ਚੋਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇਕ 14 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰੇਂਜ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਕੋਨ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੰਗੂੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪੰਗੂੜਾ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਾਇਰ ਸੈਂਪਲਸ ਨਾਮੀ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਔਰੇਂਜ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਜੌਹਨ ਮੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ
मामले की जांच कर रही है कि अचनचेत वापरी घटना है जां इस घटना पिछे कोई साजिश तां नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वलादिमीर जेलेंसकी ने मुड़ रूस नूं अपील की है कि वह जंग खत्म करने लई उन्हां नाल सीधी गलबात शुरू करन, पर उन्हां नाल ही कहा कि शांति खातर यूक्रेन अपनी जमीन का कोई हिस्सा नहीं छड्डेगा। मुलक नूं संबोधन करदिआं यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूसी फौजी अधिकारियों वालों दागे बयान वल भी असिधे तौर पर संकेत किया। रूसी फौजी स्टाफ के उप मुखी कर्नल जनरल सरगेई ने कहा कि रूसी सैनिक हुण अपने मुख टीचे डोनबास की आजादी वल बदणगे। रूस पक्षी बखवादी पूर्वी यूक्रेन ते डोनबास खेतर नूं 2014 तों कंट्रोल कर रहे ने। रूस की फौज मारियोपोलो शहर ते कब्जे लई भी संघर्ष कर रही है। उत्तरी यूक्रेन दे शहर चरनी हीप ते भी रूस लगातार बमबारी कर रहा। इत्थे बिजली पानी ते हीटिंग सिस्टम ठप पिया है। शहर अगला मारियोपोल बनन वल बद रहा है। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस दे हादसा ग्रस्त हुई बोइंग 737-800 जहाज का दूजा ब्लैक बॉक्स मिल गया। पिछले हफ्ते ए जहाज हादसा ग्रस्त हो गया सी, जिस विच 132 लोग मारे गए सी। इस जहाज का कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर 4 दिन पहला मिलिया सी। उदो तो फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड की खोज की जा रही सी। इना दो रिकॉर्डर की मदद नाल जांच करता ए पता लगा सकते ने कि जहाज अचानक आसमान तो क्यों डिग्या। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की उड़ान MU5735 सोमवार नूं कुनमिंग तो दक्षिणी पूर्वी चीन के ग्वांगजू आउंदे समय हादसा ग्रस्त हो गई। राज प्रसारक सीसीटीवी ते अधिकारक शिनुआ न्यूज एजेंसी ने अधिकारियों के हवाले नाल फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड मिलने की जानकारी दिती है। पंजाब विच एक विधायक एक पेंशन लागू होने तों बाद कुछ विधायक इस स्कीम का विरोध कर रहे ने। इस स्कीम का विरोध करन वालियां नूं सीएम भगवंत सिंह मान वल्लों करारा जवाब दिता गया। सीएम मान ने कहा कि असी कोई कार्ड भेज के सद्दा नहीं दिता सी कि एमएलए बनो, कोई होर काम कर लो। मान ने कहा कि एक विधायक एक पेंशन दे फैसले नाल पूरे देश विच डिबेट चल रही है। पंजाब विच 8 तों 9 पेंशनां लईआं जा रहीआं सी। फैमिली नूं पेंशन मिल रही है, इलाज, रेल अते हवाई जहाज की यात्रा मुफ्त मिल रही है। इसलिए सरकार खजाने नूं जो जंजीरां पाईआं गईआं ने उन्हां नूं खोलना है, इसके बाद इस नूं जनता लई खोलना है। मान ने कहा कि कुछ कांग्रेसी कह रहे ने कि दिल्ली विच एमएलए की तनखाह 2.5 लाख है, पहला उस नूं घटाओ। उन्होंने कहा कि दिल्ली विच विधायक की बेसिक तनखाह 12,000 है, पत्ते पा के 54,000 मिलता है। जो एमएलए नहीं रेंदे उन्हां दी पेंशन 7200 रुपए है। दस दिए कि लुधियाना की गिल विधानसभा सीट तो विधायक रहे कुलदीप वैद ने मान सरकार के इस फैसले का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि इस नाल खर्चे पूरे करने मुश्किल हो जाएंगे, परिवार के खर्चे दे नाल उन्हां नूं मिलण आने वाले लोगों लई भी चाह पानी का बंदोबस्त करना पैंदा। वैसे भी पेंशन एक बार ही मिलती है। वैद ने इत्थों तक कहा कि मान सरकार के फैसले नाल भ्रिष्टाचार वधेगा। पंजाब विच 1 अप्रैल तो कणक की खरीद शुरू करने का ऐलान किया गया। पंजाब सरकार वालों कणक की खरीद लई प्रबंध मुकम्मल कर ले गए। खरीद एजेंसियों नाल मीटिंग का सिलसिला जारी है। भारतीय खुराक निगम ने दस्या कि साल 2022-23 लई सरकार ने कणक की MSP 2015 रुपए प्रति क्विंटल तय की है, पर बाजार विच कणक के भा 2300 रुपए प्रति क्विंटल नूं पार कर गए ने। कणक की खरीद 1 अप्रैल नूं शुरू होगी ती 15 जून तक किसानों तो इसकी खरीद की जाएगी। रूस यूक्रेन जंग का असर भी कणक की खरीद ते पै सकता। दूजे सूबियां दी मांग की पूर्ति लई इस वार पंजाब दे खरीद केंद्रां चों कणक सीधी डिस्पैच की जानी है। अनाज की मंग वधण कारण पंजाब दे गोदामां विचों कणक चुकनी शुरू हो गई है। रिपोर्ट मुताबक पंजाब विच इस वार कणक की पैदावार 175 लाख मीट्रिक टन होण दे आसार ने, जिस विचों 132 लाख मीट्रिक टन कणक की खरीद का टीचा रख्या गया। बीते कुछ सालों दौरान गोदामां विच 1-2 वरे कणक भंडार रहिंदी सी, पर इस वार कणक की नवी फसल की चुकाई भी मंडियां चों सीधी हो जानी है। गोदामां विच नवी कणक भी बहुती भंडार नहीं होगी। दूसरों सूबियां नूं कणक की मूवमेंट होण करके पंजाब के गोदाम खाली होण लगे ने। भारतीय खुराक निगम वालों इस वार 70 लाख मीट्रिक टन कणक खरीदी जानी है। इस वार कणक की मांग वध है, जदकि पैदावार घट होण दा अनुमान है। अजिहे विच आप सरकार नूं कणक की खरीद विच कोई खास मुश्किल पेश नहीं आएगी ते मुख्यमंत्री भगवंत मान लई अपने कार्यकाल की पहली फसल चुकाउणी आसान साबित होएगी। इस सन हुण तक दी खबरां मैनूं वरुण कौर मान नूं दिवा गया। होर खबरां दे लई साडा यूट्यूब चैनल पंजाब मेल USA TV जरूर सबसक्राइब करो। सत श्री अकाल।